النصير اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مشفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم وجود والكرم والله عاصمه وجبرائيل خادمه والمعراج سفره الى سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده خاتم النبيين سيد المرسلين انيس الغرابين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين سراج السالكين محب الفقراء والغرباء والمساكين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ناد عليا مظهر العجائب تجده عون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي صلوات اللهم صل وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا محترم سامعین وہ خدا کہ جو سامع بھی ہے سمیع بھی ہے مبصر بھی ہے بصیر بھی ہے معظم بھی ہے عظیم بھی ہے وہ خدا جو مکرم بھی ہے کریم بھی ہے وہ خدا کہ جس نے دریاؤں میں روانی پیدا کی وہ خدا کہ جس نے پہاڑوں کو استحکام دیا وہ خدا کہ جس نے انسان کو زبان دی وہ خدا کہ جس نے انسان کو آنکھیں دیں وہ خدا کہ جس نے انسان کو پیر دیے وہ خدا کہ جس نے انسان کو دماغ دیا وہ خدا کہ جس نے انسان کو دل دیا میں اس خدا کو خدا حقیقی نہ مانتا اگر وہ خدا صرف ہاتھ دیتا اگر وہ خدا صرف زبان دیتا اگر وہ خدا صرف آنکھیں دیتا اگر وہ خدا صرف دل دیتا اگر وہ خدا صرف جسم دیتا اس لیے کہ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ پورا اسٹرکچر پورا حیولہ بنا لیا ہے انسان کا ہمارے جیسی آنکھیں بھی ہیں ہمارے جیسے ہاتھ بھی ہیں ہماری جیسے زبان بھی ہیں لیکن پروردگار نے
अपने परवरदिगार हकीकी होने का सबूत ये दिया कि जब इंसान को हाथ दिए तो हाथों में हरकत इनायत फरमाई, जबान दी तो जबान को तकल्लुम इनायत फरमाया, आँखें दी तो आँखों को बसारत दी, जहन दिमाग दिया तो दिमाग को फिक्र दी। उस परवरदिगार ने अपने परवरदिगार हकीकी होने का सबूत यूँ दिया कि इंसान को दिल दिया तो दिल में धड़कने पैदा की, इंसान को जिस्म दिया तो जिस्म के लिए रूह को मुअय्यन फरमाया। वो परवरदिगार हकीकी अपने कुरान में इरशाद फरमाता है कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अनकुमुर रिज़्, ऐ अहले बैत, हमारा इरादा ये है, खुदा का इरादा ये है कि रिज़्क़ को आपसे दूर रखेगा और ऐसे पाक रखेगा जैसे पाक रखने का हक है। खुदा ने यह नहीं कहा कि ऐ अहले बैत मैं आपको पाक करूँगा, ये फरमाया कि पाक रखूँगा। पाक करना और होता है, पाक रखना और होता है। मिसाल के तौर पर मेरा ये रुमाल है, मेरे हाथ में है, ये ज़मीन पर गिर गया, नाली में गिर गया, ये हो गया नजिस, मैंने इसको पाक कर दिया, यानी पहले नजिस था तो पाक किया। अल्लाह ने ये नहीं कहा, अल्लाह ने कहा पाक रखूँगा। ऐ अहले बैत, अल्लाह का इरादा ये है कि आपको पाक रखे, जैसे पाक रखने का हक है, पाक करना और है, पाक रखना और है। खुदा बताना चाहता है कि इनकी इब्तिदा भी पाक है, इनकी इंतहा भी पाक है, और अगर यकीन ना आए तो अली की इब्तिदा देख ले काबा। तवज्जो फरमाइएगा, बहुत मुख्तसर सी मजलिस है मगर मैं कुछ दे के जाऊँगा आपको, इंशाल्लाह याद रखेंगे, कुछ बातें ऐसी आपकी समाज के हवाले करके जाऊँगा। बड़ी तवज्जो, मौला अली अलैहिस्सलाम का आगाज़ देख लें, आगाज़ है काबा। कोई झूठे से झूठे रावी को आप ले आए, किसी ने लिखा हो कि अली अलैहिस्सलाम की आमद के बाद, विलादत के बाद खाना काबा को पाक किया गया हो, खाना काबा को पाक तो नहीं किया गया, हाँ ये जरूर लिखा कि काबा पहले किबला नहीं था, अली आए तो किबला बन गया। तो बच्चों फरमाइएगा, काबा किबला बन गया। अब सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरे सब तजर्बेकार लोग बैठे हुए हैं, जिस मकाम पे किसी बच्चे की विलादत होती है वो मकाम नजिस हो जाता है, क्योंकि गलाजतें गिरती हैं, नजासतें गिरती हैं। तो मानना पड़ेगा तुम्हारी विलादत और है, मासूम की विलादत और है, मासूम तुम्हारी तरह पैदा नहीं होता। ये तो लुगत की मजबूरी है कि लफ्ज़ मौलूद हमने रखा है, लफ्ज़ विलादत रखा है, ये तो लफ्ज़ों की मजबूरी है। तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह का इरादा है कि अहले बैत आपको पाक रखे, जैसे पाक रखने का हक है, पाक करे नहीं रखे, यानी इनकी इब्तिदा भी पाक है, इनकी इंतहा भी पाक है। आप यहाँ बैठे हुए मेरे पास, एक ब्लेड लेके आइए, आप ब्लेड लेके आ गए, हमने कहा ज़रा हाथ काटिए, आपने हाथ काट लिया, अब जो खून का खतरा निकला, हमने कहा इसके लिए मसला है शरीयत लाइए। कह लगे मौलाना साहब अगर खून बदन से बाहर आ गया तो नजिस, बदन के अंदर है तो पाक। तवज्जो फरमाइएगा, खून अगर बदन के अंदर है तो पाक है, खून अगर बदन से बाहर आ गया तो नजिस। अली अलैहिस्सलाम आए काबे में, गए कहाँ से, कहाँ मस्जिद कूफा में अली के सर पर ज़रबत लगी तो खून बहा के नहीं, फिर सारी किताबों को चैलेंज, किसी एक किताब में दिखाइए कि ये लिखाओ कि अली का खून जो मस्जिद कूफा में गिरा था, बाद में किसी ने कहा हो कि मस्जिद को पाक करो। इसका मतलब यह है कि आज अली अलैहिस्सलाम का लहू पाक है, चूंकि अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया है कि पाक रखेगा, तो इनकी इब्तिदा भी पाक, इनकी इंतहा भी पाक। आए तो काबे में, गए तो मस्जिद में, गए तो मस्जिद से आए काबे में। काबे में अली अलैहिस्सलाम का आना, और काबे में एक दिन नहीं रही जनाबे फातिमा बिनते असद, तीन दिन रही। अब फिर मेरी किताब, मेरा चैलेंज है किताबों को, आप ये बताइए इतने लोग बैठे हुए कि अगर किसी की वाइफ, किसी की जौजा एक दिन के लिए गायब हो जाए तो आप परेशान होंगे नहीं होंगे? तीन दिन, किसी किताब में नहीं लिखा कि जनाब अबू तालिब परेशान हुए हों। नहीं, आप पहुँचे नहीं, जो बात मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ उस बात तक आप पहुँचे नहीं, इंशाल्लाह पहुँचेंगे। जनाब अबू तालिब की जौजा तीन दिन तक काबे में रही, किसी किताब में जनाब अबू तालिब का इज्तराब नज़र नहीं आता,
कि जनाब अबू तालिब इससे पूछ रहे हूँ, उससे पूछ रहे हूँ, उससे पूछ रहे हूँ कि कहाँ गई मेरी जौजा, कहाँ गई मेरी बीवी, कहाँ गई मेरी बीवी। इसका मतलब ये है कि जनाब अबू तालिब को मालूम था। देखिए क़िबला एक प्रॉब्लम है, असल में एक सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम लोग जितने भी ज़ाकिर जितने मौलवियों को आप सुनते हैं वो सिर्फ़ एक पॉइंट सुनते हैं आप जनाब अबू तालिब के हवाले से कि साहब उन्होंने कलमा पढ़ा था, उन्होंने कलमा पढ़ा था। हम लोग इस बात पे ज़ोर देते हैं उन्होंने कलमा पढ़ा था, और जो मुखालिफ हैं वो इस बात पे ज़ोर देते हैं कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। लेकिन मैं इन दोनों से बाला की बात सुनाता हूँ आपको, किसी ऐसी किताब की बात नहीं कर रहा जो आपके पास ना हो। अब्बास बुक एजेंसी दूर नहीं है, आप जाइए, जाके हयातुल कुलूब पढ़िए। हयातुल कुलूब में लिखा है कि जनाब अबू तालिब या तो नबी थे या वसी नबी थे। खुदा के लिए ये बेवकूफ लोग इस बात के पीछे पड़े हैं कि कलमा पढ़ा था नहीं पढ़ा था। ईरान में एक आयतुल्लाह है जो इसी टॉपिक पे सर्च कर रहे हैं कि जनाबे अबू तालिब या तो नबी थे या वसी नबी थे। हमारा जो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हमारे आखिरी नबी है ना, ये आखिरी हैं, इनके बाद कोई नहीं आना। जनाबे अबू तालिब इनसे पहले के हैं, और जनाबे अबू तालिब इनसे पहले ही चले भी गए। नबी की पहचान ये कि ये खत्मुल मुरसलीन है, इन पर मोहर है, ये आखिरी नबी, इनके बाद कोई नबी नहीं होगा, तो इनके बाद कोई नबी जिंदा भी नहीं रहेगा। इसीलिए जनाब अबू तालिब का इंतकाल इनसे पहले हो गया, इनकी ज़िंदगी में हो गया। तो जनाब अबू तालिब के लिए लोग परेशान हैं कि साहब कलमा पढ़ा था नहीं कलमा पढ़ा था। आप ख्वाजा अजमेरी के कथा सुनते रहते हैं, शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, आप जानते हैं ये कैसे वली थे, ये कैसे ख्वाजा थे। पहली बात तो ये है कि लोगों को यही नहीं पता कि ये कौन थे, ख्वाजा अजमेरी कौन थे, लोगों को यही नहीं पता। ख्वाजा अजमेरी थे असल में सैयद, ख्वाजा अजमेरी थे सैयद। और आप और हम तो कम जाते हैं अजमेर, जाया करें आप और ख्वाजा को फातिहा पढ़ा करें, क्योंकि ख्वाजा हम ही में से थे। ख्वाजा मुहिब अहले बैत थे, और मुहिब अहले बैत के अलावा ख़ानदान इमामत और रिसालत से थे, ये इसी ख़ानदान से थे। ख्वाजा अजमेरी बहुत बड़ी शख्सियत थे, मोइनुद्दीन चिश्ती। लेकिन हुआ क्या, दूसरे लोग जा रहे हैं साहब मज़ार पे घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ये भी अल्लाह ने इनको मार दिए, कहा तुम अगर पंजतन तक नहीं आओगे तो तुम्हें सैयदों के दरबार में दौड़ाते रहेंगे। आप लोग थोड़ा थोड़ा सा और आ जाइए, मैं समझता हूँ चार पांच लोग और आ सकते हैं। जो लोग उधर बैठ गए इधर आ जाएं, तो ज़रा सा जितना मेरे पास लोग रहेंगे उतना मुझे गुफ्तगू में आसानी होगी। हाँ एक सलावात और इरशाद। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा, इस आयत को जहन में रखें इंशाल्लाह। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज़्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। इरादा कुदरत का ये है कि रिज़्स को, नजासत को, गंदगी को अहले बैत से दूर रखेगा, ऐसे पाक रखेगा, करेगा नहीं पाक रखेगा जैसे पाक रखने का हक है। जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम इतनी अजीम शख्सियत हैं कि सारे दुनिया के मुसलमानों को पता मौला अली अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए, काबे में। मौला अली अलैहिस्सलाम पैदा हुए काबे में, मगर ये भी तो बताएं कि नबी कहाँ पैदा हुए। नबी पैदा हुए अबू तालिब के घर में। नहीं नहीं भाई, बड़ी अजीम बात है। जब वली को खुदा अपने घर में पैदा कर रहा है, काबे में पैदा कर रहा है, इसका मतलब यह है कि अपने नबी को भी किसी बड़े बड़े घर में पैदा करेगा। तो कौन सा घर चुना, जनाबे अबू तालिब का। मोहम्मद की विलादत हुई अबू तालिब के घर में, अली की विलादत हुई खुदा के घर में। शायद यही फलसफा रखा हो खुदा ने कि अबू तालिब मेरा मोहम्मद अगर तेरे घर में आया है तो तेरा अली मेरे घर में आएगा।
मैं अर्ज ये कर रहा था कि ख्वाजा अजमेरी को सिर्फ हम इस बात से पहचानते हैं कि उनकी रुबाई है शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दियास्त हुसैन दीपनास्त हुसैन सरदाद नदाद दस दरदस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलास्त हुसैन, यही रुबाई तो आप सुनते हैं। लेकिन ख्वाजा अजमेरी के बहुत बड़े बड़े फैसले हैं। एक शागिर्द उनके पास पहुंचा बगल में कुरान दबाए हुए, कह लगा ख्वाजा अजमेरी साहब। ख्वाजा अजमेरी ने कहा बताओ क्या हुआ। कहा ख्वाजा अजमेरी एक सवाल लेके आया हूँ आपके पास। कहा ठीक है बताएं क्या सवाल है। ख्वाजा अजमेरी से उनका शागिर्द कहने लगा हुजूर जनाबे अबू तालिब के बेटे का नाम है अली। ख्वाजा ने कहा बेशक। कहा अली तो है कुल्ले ईमान। कहा बेशक, लेकिन जनाबे अबू तालिब ने तो कलमा नहीं पढ़ा था। नखले कुफ्र कुफ्र नबाशत। जनाबे अबू तालिब ने तो कलमा नहीं पढ़ा था। जनाबे अबू तालिब तो मुसलमान थे नहीं। ख्वाजा अजमेरी को जलाल आ गया। उन्होंने कहा तेरे बगल में क्या है। उसने कहा कुरान। कहा जरा मुझे दे। ख्वाजा अजमेरी ने कुरान लिया, जिल्द निकाली, फेंक दी जमीन पर। ये बेचैन होके आगे बढ़ा, जिल्द को उठाया, कभी आंखों से लगाया, कभी लगो लबों से बोसा लिया। ख्वाजा अजमेरी ने कहा क्या हुआ, परेशान क्यों है। कहा ख्वाजा जी आपने कुरान की जिल्द फेंक दी, आपने कुरान की जिल्द फेंक दी। ख्वाजा अजमेरी ने कहा ये कुरान नहीं है, कुरान की जिल्द है। ये कुरान नहीं है, कुरान की जिल्द है। ये हाथ जोड़ के कहने लगा ख्वाजा जी कुरान की जिल्द जरूर है, मगर ये कुरान को अपने दामन में छुपाए हुए है, लिहाजा इसका एहतराम जरूरी है। ख्वाजा अजमेरी ने कहा अरे जो खामोश कुरान को अपने दामन में छुपाए उसका एहतराम जरूरी है, तो जो अबू तालिब बोलते कुरान को अपने दामन में छुपाए। बोलते हुए कुरान को अपने दामन में छुपाए उसके ईमान के बारे में सवाल करते हो, और फिर मेरी किताब नहीं, किताब है अल्लामा साइम चिश्ती की दो जिल्दों में। अहले तशी नहीं है, साइम चिश्ती साहब अहले सुन्नत वल जमात से हैं। उन्होंने किताब लिखी दो जिल्दों में ईमान अबू तालिब। मैं समझता हूँ शायद ये भी अब बाज़ बुक एजेंसी पर मिल जाएगी आपको। उसमें किसी ने मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछ लिया कि या अली आप तो कासिम जन्नत नार हैं, लेकिन आपके बाबा ने तो कलमा पढ़ा नहीं था। अब मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते सुनो मेरे बाबा अबू तालिब अगर चाहें तो सारी दुनिया के सारे गुनाहगारों को जन्नत में ले जाएं। नहीं, आपने जुमले पर तवज्जो नहीं फरमाई। गुनाहगारों को ले जाएं, जिसके थोड़े बहुत गुनाह हों या गुनाह ना हों उसको ले जाना। मिसाल के तौर पे आपने कहा साहब शरर नकवी साहब को हम कार से ले गए। शरर साहब के पास कार ना हो तो फ़र्क करें, हमारे पास तो है ऑलरेडी। मसलन आप कहें शरर साहब को प्लेन से ले गए तो शायद ये फ़ख्र की बात हो, जो चीज़ ना हो। मौला फरमाते सारी दुनिया के सारे गुनाहगारों को अगर मेरे बाबा चाहें तो जन्नत में ले जाएं। नबी की हदीस है कुल्लो मौलूदिन यूलेदो अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, उसके पालने वाले उसकी परवरिश करने वाले अपने जैसा बना लेते हैं। हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, उसकी परवरिश करने वाले अपने जैसा बना लेते हैं। अबू तालिब ने और बच्चों के अलावा इन दो को पाला, एक का नाम है मोहम्मद, एक का नाम है अली। एक को इमाम बनाया, एक को नबी बनाया। सलावात पढ़े बाबा जी। और तवज्जो फरमाइए, मैं इस वक्त बड़े तारीखी पॉइंट्स पढ़ना चाहता हूँ और ऐसी मजलिस चाहता हूँ कि ज़रा सा आपके जहनों में रह जाए। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम जब रिसालत में आपका अक्द हुआ है जनाब खदीजा से, अक्द में जो मेहर के पैसे होते हैं वो ना तो बाप पर वाजिब हैं कि बाप मेहर दे, ना चचा पे वाजिब है कि चचा मेहर दे। आप तारीख पढ़ के देखें, जनाब मोहम्मद अरबी ने जो जनाब खदीजा को मेहर के पैसे दिए हैं वो पैसे जनाब अबू तालिब के थे। हुक्म शरीयत ये है कि पैसा शौहर देगा,
ना उसके वालिद देंगे ना उसके चचा देंगे। लेकिन जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पैसे दिए और रसूलुल्लाह ने वही पैसे मेहर के दिए जनाब खदीजा को। और फिर किसी तारीख ने नहीं लिखा कि माल खदीजा आने के बाद नबी ने फरमाया वो चचा जान जो आपने मेहर के मौके पर पैसे दिए थे वो वापस ले लें। किसी तारीख में नहीं लिखा कि नबी ने वो पैसे वापस किए हो। इसका मतलब ये है कि जो दौलत अबू तालिब की है वो दौलत मोहम्मद की है, जो दौलत मोहम्मद की है वो दौलत अबू तालिब की है। इल्जाम ये है कि कलमा नहीं पढ़ा था, कलमा नहीं पढ़ा था। तो भाई जनाब अबू तालिब कलमा पढ़ने के लिए नहीं आए थे, कलमा पढ़ाने के लिए आए थे। तवज्जो फरमाइए, ये कलमा पढ़ने के लिए नहीं आए थे, कलमा पढ़ाने के लिए आए थे। जो जो मुनासिब न थी वो बात बता दी तूने, जो मुनासिब न थी वो बात बता दी तूने, इस बहाने से मगर जात बता दी तूने। कुल्ले ईमान के बाबा को बताकर काफिर अपने ईमान की औकात बता दी तूने। कलमा नहीं पढ़ा था, बड़ी अजीब व गरीब बहस है लोगों की। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के मर्तबे को समझें, बहुत बड़ा मर्तबा है जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का, इसलिए कि इनका बेटा काबे में आ रहा है और खुद जनाब अबू तालिब ने कभी दूसरे खुदा के आगे सर नहीं झुकाया। 360 खुदा रखे थे काबे में, 360 खुदा रखे थे काबे में, और किलीद बरदार थे जनाब अबू तालिब, काबे के मुतवल्ली, इस अहद के मुतवल्ली नहीं, उस दौर के मुतवल्ली। सलावात पढ़िए। उस दौर के मुतवल्ली थे जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। जो इस जुमले की नज़ाकत को समझ सकता है, मैंने बहुत बड़ी बात कही है। जनाब अबू तालिब, लेकिन किसी तारीख में आप नहीं दिखा सकते। होता ये था कि अरब में खाने काबे में जो बुत रखे थे वो हर कबीले के थे, 360 कबीले थे, हर कबीले का एक एक बुत रखा था। जो कबीला जितना बड़ा और जितना ताकतवर होता था उसका बुत उतना बड़ा होता था, उतनी बड़ी जगह पर रखा जाता था, बुलंदी पर रखा जाता था। कोई तारीख नहीं बता सकती कि जनाब अबू तालिब के कबीले का एक बुत हो काबे में, क्योंकि बुत शिकनी का हक भी जनाब अली को था। ना मौला अली के वालिद ने कभी बुत परस्ती बुत की परस्तिश की और ना इनके बुज़ुर्गों ने, तो बुत शिकनी का हक भी नहीं को था। इसीलिए अली अलैहिस्सलाम दरवाजे से नहीं आए, दीवार से आए। दीवार ने मुस्कुरा के अली का इस्तकबाल किया। जनाब फातिमा बिनते असद, अभी मौला अली अलैहिस्सलाम बतन में है माँ के, जनाब फातिमा बिनते असद फरमाती हैं कि पालने वाले मेरी मुश्किल को आसान कर इस मौलूद के सदक़े में जो आने से पहले मुश्किल कुशा है। नहीं देखें, अब नहीं, क्योंकि अब तो 20 मिनट हो गए, अब तो मैं मजलिस शुरू कर रहा हूँ, अब ज़रा सा आप आमादा रहिए। आने से पहले मुश्किल कुशा, काबे में दीवार हुई, दीवार में दर हुआ, मगर किसी तारीख में नहीं लिखा कि जनाबे फातिमा बिनते असद डर के भागी हूँ। पता था इन्हें, इस खानवादे को समझना आसान नहीं है। जनाब फातिमा बिनते असद डरी नहीं, घबराई नहीं, इसका मतलब ये कि इन्हें पहले से पता था मैं जाऊंगी दीवार में दर होगा। अच्छा, अगर ये ना जाती तो होता क्या? वो तो ये कहिए कि खुद ही आ गई बिनते असद, वरना काबा भी चला आता अबू तालिब के घर। अच्छा, मजलिस होती है तो कुछ लोग बड़े तकल्लुफ से दाद देते हैं, मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये तकल्लुफ किस बात का है। इसलिए कि हम तो बहुत बड़ी कौम है, खुदा का शुक्र है कि खुदा ने किसी इबादत में हमारे हाथ नहीं बांधे। किसी इबादत में हमारे हाथ नहीं बांधे। दूसरी बात ये है कि वाह का भी हक हमारे पास है और आह का भी हक हमारे पास है। वाह हमें मिली है गदीर खुम से और आह हमें मिली है करबला से। तो रोने का हक भी हमें, मुस्कुराने का हक भी हमें। तो जरा सा मुतवज्जे रहिएगा, जनाब फातिमा बिनते असद काबे में गई, अली अलैहिस्सलाम ने काबे में लकीर बनाई,
1400 बरस हो गए, बड़े से बड़े इंजीनियर आ गए, मगर जो फातिमा बिनते असद ने जो मौला अली अलैहिस्सलाम की आमद पर जो काबे की दीवार में दर बनाया था, आज तक उस लकीर को पूरा ना कर पाए, आज तक उस लकीर को ना मिटा पाए। बड़ी कोशिशें कर ली कि काश खाना काबा की ये अलामत मिट जाए, ये लकीर मिट जाए, ये लकीर मिट जाए। बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो गए। मैं सवाल करता हूँ कि जब 1400 बरस से एक काबे की दीवार की लकीर ना मिट सकी, तो फिर उस लकीर के फकीर कैसे मिट पाएंगे? ये आजादार उसी लकीर के तो फकीर हैं। जब लकीर ना मिटा पाए तो इन आजादारों को क्या मिटा पाओगे, इन आजादारों को क्या खत्म कर पाओगे? लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से देखें, हमारे ना मिटने की वजह बताऊं मैं आपको, ना मिटने की वजह हमारे ये है कि हम अपने उलमा को नहीं भूले, अपने कायदीन को नहीं भूले। लोग आयतुल्ला सिस्तानी साहब के पास गए, उनसे कहा कि हुजूर एक शिया मारा गया। आयतुल्ला सिस्तानी साहब ने इराक से फरमाया कि सब्र करें। फिर लोग गए, हुजूर 10 शिया मारे गए। लोगों ने कहा सरकार सब्र करें, क़िबला ने कहा सब्र करें। फिर लोग आयतुल्ला सिस्तानी साहब के पास गए कि हुजूर 50 शिया मारे गए। आयतुल्ला सिस्तानी साहब ने कहा सब्र करें। फिर लोग गए, 100 शिया मारे गए। आयतुल्ला सिस्तानी साहब ने कहा सब्र करें। लेकिन जैसे ही आतंकवादियों ने कहा कि हम इमाम हुसैन पर हमला करेंगे, जो आयतुल्ला ये फरमा रहे थे सब्र करें सब्र करें सब्र करें, उन्हीं ने फरमाया कि तमाम शियों पर वाजिब है कि दिफा के लिए खड़े हो जाएं। मैं कहूंगा ए आयतुल्ला, अभी तक तो आप रोक रहे थे, अब ये दिफा के लिए खड़ा क्यों कर रहे हैं? आवाज आई कि कल तक मसला तुम्हारा था, आज बात इमाम हुसैन की आ गई। नहीं 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 नहीं, नहीं आप तकल्लुफ करके, बहुत बड़ी बात अर्ज कर रहा हूं, कल तक बात तुम्हारी थी, आज बात इमाम हुसैन की आ गई। हमारे उलमा समझाना चाहते हैं कि अगर तुम्हारी जात पर जुल्म हो तो सब्र कर लेना, लेकिन अगर कोई इमाम हुसैन की तरफ उंगली उठाए तो शिया होने का सबूत यही है कि खामोश ना बैठना, चुप ना बैठना। उन्हीं आयतुल्ला ने तो यही हमारी जिंदगी का मकसद है कि हम, यही हमारे वजूद का सबब है जो हम जिंदा हैं, कि हम अपने ऊपर तो जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर किसी ने आलम को रोका, लेकिन अगर किसी ने ताजिए को टोका, और यही 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 शियत है, यही होना चाहिए। अगर आप पर जुल्म है तो आप बर्दाश्त कर लें, लेकिन अगर इमाम हुसैन की बात आ जाए, अहले बैत की बात आ जाए, तो फिर खामोशी जुर्म है। अहले बैत के मसले में खामोशी जुर्म है। अल्लाह का इरादा है कि नजासत को, गंदगी को, आलूदगी को दूर रखेगा पंजतन से। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युताहिराकुम तत्हीरा। ए अहले बैत, अल्लाह का इरादा है कि अल्लाह, अभी तक मैंने अपनी खिताबत का इम्तहान दे दिया, आप समझ गए होंगे मैं कैसी खिताबत करता हूँ, लेकिन अब मैं आपका सबका इम्तहान ले रहा हूँ कि आप सुनते कैसे। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स, अल्लाह रिज्स से दूर रखेगा। रिज्स कहते हैं गंदगी को, रिज्स कहते हैं कसाफत को, रिज्स कहते हैं आलूदगी को। अब ये रिज्स है क्या, रिज्स है कौन, कहाँ तलाश करें? शायर की शायरी में ढूंढें, खतीब की खिताबत में ढूंढें, आलिम के इल्म में तलाश करें, मुफक्किर की फिक्र में देखें, अजीब के अदब में देखें, फलसफी के फलसफे में तलाश करें। लफ्ज़ रिज्स ने कहा कहीं मत जाओ, गंदगी देखना है ना, आलूदगी देखना है ना, कसाफत मालूम करना है ना, कहाँ है कसाफत, कौन है गंदगी, तो आओ मेरे पास आओ। लफ्ज़ रिज्स ने बता दिया कि गंदगी कौन है। लफ्ज़ रिज्स को आप गौर कर लीजिए, रे एक, जीम दो, सीन तीन। किसी अदीब के पास ना जाइए, लफ्ज़ रिज्स ने बताया कि गंदगी क्या है। रिज्स में है तीन हुरूफ, रे एक, जीम दो, सीन तीन। एक सलावात पढ़िए, अच्छा क्या क्या सलावात इसी कमरे वाले लोग पढ़ सकते हैं, उस कमरे वाले नहीं पढ़ सकते? अल्लाह का इरादा यह है कि रिज्स को,
गंदगी को, कसाफत को, आलूदगी को अहले बैत आपसे खुदा दूर रखेगा, आपको जहमत नहीं देगा, आपको जहमत नहीं देगा खुदा। रिस्क को आपसे दूर रखेगा, कसाफत को आपसे दूर रखेगा। अल्लाह का वादा है कि अल्लाह दूर रखेगा। अब इस पर फख्र न करना कि वो नबी के पहलू में है। कुरान में अल्लाह का वादा है कि गंदगी को अल्लाह दूर रखेगा। मरा जा रहा है मुसलमान कि वो नबी के पहलू में, वो नबी के पहलू में, वो नबी के पहलू में। बेवकूफ मदीने जाते हो, कभी नजफ भी जाओ, कभी नजफ भी जाओ। जब आप नजफ जाएंगे, मौला अली के रोजे में जाएंगे, तो जनाब नूह को भी सलाम करना है, जनाब आदम को भी सलाम करना है। अल्लाह करे आप सब जाएं नजफ अशरफ। और जो लोग जा चुके हैं वो तायीद करेंगे, मैं भी जा चुका हूं। जब मौला अली अलैहिस्सलाम के रोजे में जाएंगे आप, तो जनाब नूह को भी सलाम करना है, जनाब आदम को भी सलाम करना है। हमने कहा हम तो अली के पास आए, ये नूह को सलाम क्यों करें, ये आदम को सलाम क्यों करें। जवाब आया, मौलाना साहब आपको नहीं पता, अली के एक तरफ आदम सो रहे हैं, अली के दूसरी तरफ नूह सो रहे हैं। अली के एक तरफ आदम, अली की दूसरी तरफ नूह, अली की एक तरफ आदम, अली के दूसरी तरफ नूह। मुसलमान मरे जा रहा है कि वो नबी के पहलू में। अरे बेवकूफ मुसलमानों, नबी के पहलू में सोना और है नबियों को पहलू में सुलाना। नबी के पहलू में सोना और है नबियों को पहलू में सुलाना। अली अलैहिस्सलाम की एक तरफ आदम, एक तरफ नूह, दो नबी सो रहे हैं अली के पहलू में। तवज्जो, खुदा का वादा है कि रिस्क को, नजासत को। मौला हमारे असगर साहब को सेहत कामिला दें। हमारे बड़े शफीक बुजुर्ग हैं, एक ज़माने से हमारे ताल्लुकात हैं इनसे, और जैसे थे पहले वैसे ही आज भी हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो इन्हीं का हुक्म था कि साहब ये मजलिस साहब पढ़ दें, तो मैंने कहा ठीक है, मैं लखनऊ में रहूँगा, ज़रूर पढ़ दूँगा। और इन्होंने पहले भी चाहा कि मैं यहाँ पंजतनी में खमसा पढ़ूं, मगर वो सिलसिला ऐसा मसरूफियत का रहा। बहरहाल इंशाल्लाह जिस मंजिल तक मैं आपको ले जाना चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मैं एक मंजिल पर आपको लेके जाऊंगा। बड़ी तवज्जो फरमाइएगा। इन्नामा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिस। अल्लाह का इरादा ये है कि रिस को, गंदगी को, आलूदगी को आपसे दूर रखे। गंदगी को अहले बैत से दूर रखेगा खुदा। यह मुसलमान का वादा नहीं। आज सारी दुनिया में मुसलमान बदनाम हो गया। आप आतंकवादी की बात कीजिए तो लफ्ज मुसलमान आता है, आतंकवादी कौन, मुसलमान। तो ये आप मुसलमान कैसे हो गए, ये मुसलमान बदनाम कैसे हो गए। असल में अभी दुनिया ने उन मुसलमानों को देखा है कि जो मुसलमान करबलाई नहीं है। परेशानी ये हो गई कि लोगों ने मुसलमान से इस्लाम समझा। इस्लाम बताएगा मुसलमान कौन है, मुसलमान नहीं बताएगा इस्लाम क्या है, इस्लाम बताएगा मुसलमान कौन है। भाई यही प्रॉब्लम आ गई, यही परेशानी आ गई। लोगों ने मुसलमान से इस्लाम समझ लिया। इस्लाम से समझना था मुसलमान कौन है। इस्लाम के आईने में देखो मुसलमान कौन है। तवज्जो, अल्लाह का इरादा है कि नजासत, गंदगी, आलूदगी, कसाफत खुदा आपसे दूर रखेगा, पंजतन से दूर रखेगा खुदा। तो कितनी दूर रखेगा, फासला क्या है। मैदान अलेक्स खान से जैसे कासमैन इतनी दूर रखेगा, यहां से जैसे नखास इतनी दूर रखेगा, यहां से जैसे चारबाग इतनी दूर रखेगा, यहां से जैसे फैजाबाद इतनी दूर रखेगा। डिस्टेंस क्या है, फासला क्या है। 100 किलोमीटर दूर रखेगा, 1000 किलोमीटर दूर रखेगा, 1000 किलोमीटर दूर रखेगा, 2000 किलोमीटर दूर रखेगा, 3000 किलोमीटर दूर रखेगा। डिस्टेंस क्या है, फासला क्या है। पालने वाले कितनी दूर रखेगा नजासत को अहले बैत से, कितनी दूर रखेगा, फासला क्या है, डिस्टेंस क्या है। का अगर मेरा दूर समझना है तो पहले मेरा पास समझ लो। तवज्जो तवज्जो तवज्जो।
अगर मेरा दूर समझना है तो मेरा पास समझ लो। आदम इस जमीन पर आए, उनकी औलाद हुई। आदम ने अपने बच्चों से कहा अच्छे काम करना, कयामत करीब है। नूह ने कहा अच्छे काम करना, कयामत करीब है। मूसा ने कहा अच्छे काम करना, कयामत करीब है। ईसा ने कहा अच्छे काम करना, कयामत करीब है। याकूब ने कहा अच्छे काम करना, कयामत करीब है। अय्यूब ने कहा अच्छे काम करना, कयामत करीब है। जुल्किफ्ल ने कहा अच्छे काम करना, कयामत करीब है। इदरीस ने कहा अच्छे काम करना, कयामत करीब है। मूसा ने कहा अच्छे काम करना, कयामत करीब है। यूसुफ ने कहा अच्छे काम करना, कयामत करीब है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा अच्छे काम करना, कयामत करीब है। हजारों साल हो गए, करोड़ों साल हो गए, आज तक कयामत नहीं आई। तो जिस खुदा का करीब इतनी दूर है, उसका दूर कितनी दूर होगा। तवज्जो फरमाइएगा जरा, सा ऐसे ही बोलते रहे जैसे आपने बोलने का माहौल बना लिया, इसलिए कि खिताबत की नहीं जाती। अगर समात अच्छी हो तो खिताबत करवाई जाती है। कोई खतीब नहीं बोल सकता मिंबर पे आके अगर सामईन अच्छे ना हो। अगर सामईन बोलने वाले हैं, और फिर हम तो गदीर वाले हैं ना, नबी ने अपने ऑडियंस को, अपने सामईन को खामोश नहीं रखा, बुलवाते रहे। ये बताओ कि क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज़्यादा तसल्लुफ़ का हक़ रखता हूँ या नहीं? सब ने कहा भला या रसूल्ला, भला या रसूल्ला। उसके बाद मुबारकबाद दिलवाई, और मुबारकबाद भी एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन। पढ़े आप तारीफ पढ़े भाई। नबी ने तीन दिन खेमा लगा दिया, का तीन दिन मुबारकबाद देना है। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन खेमा लगा रहा। अब खुदा जाने नबी ने तीन दिन का इंतखाब क्यों किया। सलावात पढ़िए बाबा। हदीसे के साहब पढ़ते रहते, तिलावत करते रहते। इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा है कि नजासत को, गंदगी को, आलूदगी को, कसाफत को आपसे दूर रखेगा, आपको ज़हमत नहीं देगा खुदा। तो ये आयत आई कब, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका पस मंजर क्या है? का इसका बैकग्राउंड ये है, रोवे अन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अन्नहा क़ालत दखला अलैया बि रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शहजादी फरमाती हैं कि दिनों में से एक दिन मेरे बाबा मेरे घर आए और फरमाया या फातिमा तो इतनी बिल किसाइल यमानी, ए फातिमा जरा यमनी चादर तो लेके आओ, फी बदनी ज़ौफ़न, मैं अपने बदन में ज़ौफ महसूस कर रहा हूँ। अब दाद उनसे चाहिए जो तारीख जानते हैं, मैदान ऐश खान वाले। जो लोग तारीख नहीं जानते हैं वो दाद ना दें, जो तारीख जानते हैं वही दाद दें, और जो नहीं जानते मैं भी रहूँगा, मुझसे पूछ लें आके। नबी ने फरमाया फ़ी बदनी ज़ौफ़न, जो अरबी जानते हैं वो जानते हैं कि लफ्ज़ जिस्म और बदन दोनों अरबी के लफ्ज़ हैं। नबी ये कहते हैं कि फ़ी जिस्मी ज़ौफ़न, तो कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन नबी ने फरमाया फ़ी बदनी ज़ौफ़न, मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ। जिस्म में ज़ौफ़ नहीं, बदन में। और हिजियान का ताल्लुक है दिमाग से। बदन और जिस्म में फर्क यह है कि जहां सर को हटा लिया जाए, पूरी बॉडी आ जाए, वहां लफ्ज बदन इस्तेमाल होता है। जहां सर के बाल से लेके पैर का अंगूठा भी आ जाए, वहां लफ्ज जिस्म इस्तेमाल होता है। बतूल की चादर में आने से पहले नबी ने फरमाया फी बदनी ज़ौफ़न, मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ। बताना चाहते हैं नबी के बदन में ज़ौफ़ महसूस होता है, जिस्म में नहीं। यानी नबी को हिजियान नहीं हो सकता। या नबी अल्लाह, अगर बदन में ज़ौफ़ है तो डॉक्टर के पास जाएं, तबीब के पास जाएं, हकीम के पास जाएं। ये दरे बुतूल पर क्यों आ रहे हैं? का दरे बुतूल पे आके तुम्हें बता के जा रहा हूँ, मेरे बदन में ज़ौफ़ होता है तो चादर बुतूल से दूर होता है। तुम्हारे ईमान में ज़ौफ़ हो जाए तो अज़ा खानों में चले जाना। के पास नहीं गए नबी, किसी तबीब के पास गए नहीं गए, फी बदन ही ज़ौफ़न, मेरे बदन में ज़ौफ़ है, चादर लेके आओ। ए तेनी बिल के साल यमानी, जरा यमनी चादर तो लेके आओ। चादर ओढ़ के लेट गए नबी, ज़ौफ़ ठीक हो गया, ज़ौफ़ ठीक हो गया। फातिमा नहीं थी, फातिमा की चादर थी। ये की जहां आता है ना लफ्ज, वहां नस्बत के माना आते।
फातिमा नहीं थी, फातिमा की चादर थी। इसका मतलब यह है कि इनसे मंसूब थी। जो चादर इनसे मंसूब हो जाए वो नबी को शिवा दे सकती है, तो जो दरगाह इनसे मंसूब हो जाए वो मोमिनीन को शिवा नहीं देगी। देखें आप, शिफा मिलती है, हमने आलम से मांगा हमें मिल गया, हम ताजिए से मांगते हैं हमें मिल जाता है, हमने अजा खाने में जाके मांगा औलाद मांगी औलाद मिल गई, पैसा मांगा पैसा मिल गया, जॉब मांगी जॉब मिल गई। बहुत से लोग कह रहे हैं साहब हमें नहीं मिल रहा है, तो आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप अपने अमाल ठीक करें, इसलिए कि जब जबान में तासीर होगी तभी बात आपकी वहां तक पहुंचेगी। जब जबान में तासीर ही नहीं है, गुनाह पर गुनाह कर रहे हैं, माले हराम खा रहे हैं, तो जबान में तासीर कैसे आएगी? जब तासीर नहीं आएगी तो बात कैसे पहुंचेगी? लेकिन मोमिनीन जो आते हैं अजा खानों में मिलता है। अब लोग परेशान हैं साहब ये अजा खाने में गए इनको कैसे मिल गया? हम कैसे नहीं मिलेगा, हमें मिलना चाहिए, इसलिए कि अली पढ़ रहे हैं मस्जिद में नमाज, एक साहिल आया आके कहता पालने वाले तेरे घर में आया हूँ, साहिल हूँ, जरूरतमंद हूँ, कोई जवाब नहीं आया। तीन मरतबा उसने यही कहा, कोई जवाब नहीं आया। अब बाहर जाने लगा, मुड़ के आखिरी जुमला कह के जाता कि पालने वाले गवाह रहे ना, तेरे घर आया था, पालने वाले गवाह रहे ना, तेरे घर आया था, मायूस जा रहा हूँ। अली अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाया, अंगूठी उतार के ले गया, भैया मांगने वाला आया था खुदा के घर, दे दिया अली ने, खुदा ने भी सीरत कायम कर दी, या अली मांगने वाला मुझसे मांगने आया था, आता की है तुमने, या अली मेरी भी सीरत है कि जो मुझसे मांगेगा उसे तुम दोगे और जो तुमसे मांगेगा उसे मैं दूंगा। मैं पहुंच गया मंजिल की तरफ, पहुंच गया मैं मंजिल की तरफ। बड़ी तवज्जो, जरा यमनी चादर लेके आए, नबी चादर ओढ़ के लेट गए, चादर ओढ़ के लेटे थे कि थोड़ी देर गुजरी थी, मौला हसन आए, आगे कहते अस्सलाम वालेकुम या उम्मा, ए अम्मा अप्पा हमारा सलाम जवाब है सलाम, व अलैका सलाम या कुर्रता ऐनी व समरत फवादी, ए मेरी आंखों की ठंडक, ए मेरे दिल के करार, तुम पर भी मेरा सलाम। मौला हसन अलैहि सलाम ने फरमाया इन्नी यशुमो इंदा के राय हतन तैयबतन का नहा राय हतो जद्दी रसूलुल्लाह, ए अम्मा हम यहाँ अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहे हैं। कहाँ आपके नाना जेर किसा है, चादर के करीब आए सलाम किया, जवाब सलाम मिला, इजाजत मांगी इजाजत मिली, और चादर में मौला हसन लेट गए, थोड़ी देर गुजरी थी कि मौला हुसैन आए, अस्सलाम वालेकुम या उम्मा, ए अम्मा आपा हमारा सलाम जवाब सलाम, वालेकुम सलाम या कुर्रता ऐनी व सबरत फवादी, ए मेरी आंखों की ठंडक, ए मेरे दिल के करार, तुम पर भी मेरा सलाम। मौला हुसैन ने इरशाद फरमाया इन्नी अशुम्मु इंदा के रायतन तैयबतन का नहा राय है तो जद्दी रसूलुल्लाह, ए अम्मा हम यहां अपने नाना रसूल की खुशबू महसूस कर रहे हैं। शहजादी ने फरमाया आपके भाई और आपके नाना जेरे किसा है, हुसैन चादर के करीब आए, नबी को सलाम किया, जवाब सलाम मिला, इजाजत मांगी इजाजत मिली, थोड़ी देर गुजरी थी कि मौला अली आया के कहते अस्सलाम वालेकुम या फातिमा, ए फातिमा आप पर हमारा सलाम। शहजादी फरमाती है वालेक सलाम या अमीर अल मोमिनीन, ए अमीर अल मोमिनीन आप पर हमारा सलाम। मौला अली फरमाते हैं इन्नी अशुम इंदा के रायतन तैयबतन का नहा राय तो अखी व अपने अम्मी रसूलुल्लाह, ए फातिमा हम यहां अपने चचाजाद भाई की खुशबू महसूस कर रहे। कहाँ आपके दोनों बेटे और मेरे बाबा चादर के नीचे हैं। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, अगर सब ने वाह नहीं कहा तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी, इसलिए कि बात बहुत बड़ी कर रहा हूँ। हदीसे किसा आप सुनते रहते हैं मगर बात बहुत बड़ी है। मौला हसन आए, उन्होंने कहा इन्नी अशुम्मो, यानी यहाँ नाना की खुशबू। मौला हुसैन आए, उन्होंने कहा इन्नी अशुम्मो, यानी मोहम्मद की खुशबू। मौला अली आए इन्नी अशुम्मो, यानी चचाजाद भाई की खुशबू। भाई मौला अली मौला हसन का आना यह कहना कि नबी की खुशबू, मौला हुसैन का आना यह कहना कि नबी की खुशबू, मौला अली का आना यह कहना कि नबी की खुशबू, इसका मतलब यह है कि नबी के बदन से कोई ऐसी खुशबू निकलती थी जिसको महसूस करने के बाद यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि नबी यहाँ मौजूद हैं। शब हिजरत तमाम रात मोहम्मद के बिस्तर पर अली लेटे रहे, तमाम रात मोहम्मद के बिस्तर पर अली लेटे रहे, कोई समझ नहीं पाया कि मोहम्मद है या अली। इसका मतलब यह है कि जो खुशबू जिसमें रिसालत की, वही खुशबू जिसमें इमामत।
साथ लेते रहे कोई सम... हदीसे की तरह पढ़ रहा हूँ जो आप सुनते रहते हैं। इन्नी अशुमो इन्नी अशुमो इन्नी अशुमो, जो खुशबू जिसमें रिसालत की वही खुशबू जिसमें इमामत की। अली अलैहिस्सलाम सुकून के साथ इत्मीनान के साथ चादर ओढ़ के लेटे, न कोई डर है न खौफ है। बाहर 40 कबीलों के सरदार खड़े हुए तलवारें लिए हुए। अब मैं अपना नुक्ता नहीं, मरहूम शेर हिंदुस्तान ताहिर जरवली साहब का एक नुक्ता आपको सुनाता हूँ। सारी रात काफिर खड़े रहे, कोई समझ नहीं पाया मोहम्मद है या अली। मरहूम फरमाते थे समझ नहीं लिए नहीं पाए लोग के दरमियान में कुछ पर्दे हाइल थे। का कैसे पर्दे? का रात थी तो रात का पर्दा, अली घर में थे तो दीवार का पर्दा, अली चादर ओढ़ के लेटे थे तो चादर का पर्दा, रात गई तो रात का पर्दा गया, घर में आए तो दीवार का पर्दा गया, करीब आए तो चादर का पर्दा गया। फरमाते थे जब ये तीनों पर्दे दरमियान से हट गए तब समझ में आया अली है। जब ये तीनों पर्दे दरमियान से हट गए, पूरी हिस्ट्री है। देखे ऐसे होते हैं हमारे खतीब, और ये नुक्ता ऐसा है कि आप उनके घर में जाके पढ़ दीजिए तब भी उनकी समझ में नहीं आएगा। हाँ ये तो आप और हम अगर ना समझाएं होटलों की दुकान पे बैठ बैठ के, उनके समझ में कुछ नहीं आता। ये तो हमने, ये आप जो इतनी मालूमात रखते हैं, हम कहीं से भी तारीख का कोई भी गोशा उठाते और फौरन आप तक पहुँचाते हैं, आप दाद देने लगते, ये सब इसका फर्श अदा का एहसान है ना। आपके पास मौका नहीं है कि आप किताबें पढ़ें, किताबें पढ़ने का काम मौलवियों का है। आप जॉब करेंगे या किताबें पढ़ेंगे? नहीं पढ़ सकते इतनी किताबें, कोई मोमिन नहीं पढ़ सकता। लेकिन ये फर्श अदा का फैज़ है कि हमारी कौम के बच्चे भी उनके बुज़ुर्गों से आगे होते, क्योंकि शुरू से फर्श अदा पर जाने लगे। अली चादर ओढ़ के लेटे, सारी कायनात मदहोशना कर रही है, ज़मीन ने तारीफ़ की, आसमान ने तारीफ़ की, चांद ने तारीफ़ की, गिलमान ने तारीफ़ की, सितारों ने तारीफ़ की, कौसर ने तारीफ़ की, हूरों ने तारीफ़ की, गिलमान ने तारीफ़ की, सलमान ने तारीफ़ की। जब सब ने तारीफ़ की तो हरूफ़ तहज्जी ने कहा, अल्फ़ाबेट हरूफ़ तहज्जी ने कहा शरह नकवी हम भी तारीफ़ करना चाहते हैं। हमने कहा तुम तो हरूफ हो, तुम तो बेसौत सदा हो, तुम में पावर ऑफ स्पीकिंग तो है ही नहीं, तुम बोलने कैसे लगे? जवाब आया अली का मसला होता है तो खून बोलता है, अली का मसला होता है तो खून बोलता है, हमारी तो हैसियत ही क्या है। हमने कहा अच्छा तो क्या करना चाहते हो? कहा देखा नहीं अली का इत्मीनान, देखा नहीं अली का सुकून, कितने सुकून के साथ नबी की जान बचाने के लिए बिस्तर पर सोए हुए हैं। सारी कायनात अली की तारीफ़ कर रही है, हम भी चाहते हैं कि अली की तारीफ़ करें। हमने कहा बिस्मिल्लाह करें अली की तारीफ़। अलीफ़ ने बढ़ के कहा सदुल्ला सो रहा है, बे ने कहा बाबुल इल्म सो रहा है। अब दाद वही दें जिसे अली बेते याद है। अलीफ ने कहा सदुल्ला सो रहा है, बे ने कहा बाबुल इल्म सो रहा है, ते ने कहा तख्तोताज को ठोकर में रखने वाला सो रहा है, से ने कहा साबित कदम मौला सो रहा है, हे ने कहा हाफिज कुरान सो रहा है, थे ने कहा खैबर कुशा सो रहा है, जीम ने कहा जबर तशद्दुद को मिटाने वाला सो रहा है, छे ने कहा चादर तथहीर का वारिस सो रहा है, दाल ने कहा दुनिया का मौला सो रहा है, साल ने कहा साहिब ज़ुल्फ़िकार सो रहा है, रे ने कहा रहबर इस्लाम सो रहा है, से ने कहा जाहिद मौला सो रहा है, सीन ने कहा साकी कौसर सो रहा है, शीन ने कहा शुजात का पैकर सो रहा है, सुआद ने कहा साबिर मौला सो रहा है, सुआद ने कहा जामिन इस्लाम सो रहा है, तोहे ने कहा ताहिर मुताहर अथर सो रहा है, सोए ने कहा ज़ाहिर बातिन का जानने वाला सो रहा है, ऐन ने कहा अली इब्ने अबी तालिब सो रहा है, ग़ैन ने कहा ग़ालिब अला कुल्ले ग़ालिब सो रहा है, ऐन ने कहा अली इब्ने अबी तालिब सो रहा है, ग़ैन ने कहा ग़ालिब अला कुल्ले ग़ालिब सो रहा है, लाम ने कहा ला फ़ताह इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार का मिज़दाक सो रहा है, मीम ने कहा मन कुंतु मौला व हाज़ा अली उन मौला सो रहा है, नून ने कहा नादे आलियन मजहर अजाइब सो रहा है, काफ ने कहा काफिरों को मिटाने वाला सो रहा है, काफ ने कहा कहरो जबरो तशद्दुद को दूर करने वाला सो रहा है, वाव ने कहा वारिस शरिया सो रहा है, ये ने कहा यावर इस्लाम सो रहा है, काफिरों ने कहा मोहम्मद सो रहा है, मोहम्मद ने कहा अली सो रहा है, नुसैरियों ने कहा हमारा परवरदिगार सो रहा है। Yeah!
मरतबा पहुँच गया, क्योंकि 40 मिनट मुझे 41 मिनट हो गए पढ़ते पढ़ते, बस 9-10 मिनट मेरे पास और हैं और मैं गुफ्तगू को मुलतवी कर रहा हूँ, बहुत तवील मजलिस नहीं पढ़ूंगा। बड़ी तवज्जो आप हजरात की। काफिरों ने कहा मोहम्मद, मोहम्मद ने कहा अली, नुसैरियों ने कहा हमारा परवरदिगार। मैंने एक नुसैरी के कंधे पर हाथ रख दिया, मैंने कहा दीवाना हो गया, अली को खुदा कह रहा है, अली खुदा नहीं है। खुदा की अलामत यह है कि खुदा को ना ऊंग आती है ना नींद, खुदा को ना ऊंग आती है ना नींद, अली सो रहे हैं, अली सो रहे हैं। और सोते में हुआ क्या, वमिन الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد, लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना नफ्स देते हैं अल्लाह की मर्जी खरीदते हैं, अपना नफ्स देते हैं अल्लाह की मर्जी खरीदते। अली फरमाते हैं शबे हिजरत ऐसे सोया कि पूरी जिंदगी ना सोया था, तवज्जो तवज्जो, अली फरमाते हैं कि शबे हिजरत ऐसे सोया कि पूरी जिंदगी ना सोया था। और सोते में हुआ क्या, वो मिनन्ना से मैयशी नफ्सा उब्तिगा, इन्होंने नफ्स दिया मर्जी ली, अली ने दे दिया नफ्स, ले ली मर्जी, अली जाग नहीं रहे सो रहे ना, अभी बात नहीं पहुंची है। असगर भाई हमारे बुजुर्ग हैं, मैं कहूँ असगर भाई आपको जहमत होगी ज़रा बगल की दुकान से एक साबुन का पैकेट ले लीजिए। मैंने इनको 10 रुपए दे दिए, ये साबुन का पैकेट लेने के लिए पहुँचे, शटर गिरा हुआ था, इन्होंने नोक किया, अंदर से एक बच्चा निकला, उसने कहा कि अंकल वो हमारे बाबा साबुन बेचते हैं, वो सो रहे हैं। असगर भाई ने कहा उनसे कहिए कि सोते में दे दे। या अली या अली, समझे मौला के फजाइल। इन्होंने कहा उनसे कहिए कि सोते में दे दे, वो मुझे साबुन दे दे, ये पैसे ले ले। तो वो बच्चा होके कहेगा अंकल आपको पता नहीं है सोते में तिजारत नहीं होती, बिजनेस सोते में नहीं होता, जागते में होता है। तो फिर मानना पड़ेगा कि तुम्हारा सोना और है, अली का सोना और है। या अली, सोते में नहीं, नहीं हो सकती तिजारत सोते में। अली अलैहिस्सलाम सो रहे हैं, मैंने नुसैरी के दोष पर हाथ रखा, मैंने कहा दीवाना हो गया, अली को खुदा कह रहा है, अली खुदा नहीं है। आवाज़ आई शरर नखवी, क्या करूं, कदम कदम पर हदे तबार लगता था, कदम कदम पर हदे तबार लगता था, उसी के हाथ में कुल इख्तियार लगता था। नुसैरियों की निगाहों का कुछ कसूर नहीं, वो था ही ऐसा के परवरदिगार लगता था। था ही ऐसा कि परवरदिगार लगता था। काफिरों ने कहा मोहम्मद, मोहम्मद ने कहा अली, नुसैरियों ने कहा हमारा खुदा। एक रात अली पदोद होके काफिरों ने समझा मोहम्मद, नुसैरियों ने समझा खुदा। सही समझा गलत समझा? अब इरफान हैदर आबदी साहब का जुमला सुना रहा हूं मैं कोशिश करता हूं कि जिस खतीब का जो जुमला है वो पहुंच जाए अगर मुझे मालूम है तो। बड़ी तवज्जो, अली सोए एक रात में दो धो के, काफिरों ने कहा मोहम्मद, मोहम्मद ने कहा अली, काफिरों ने कहा मोहम्मद, नुसैरियों ने कहा खुदा। एक रात में अली पर दो धो के हुए, काफिरों ने समझा मोहम्मद, नुसैरियों ने समझा खुदा। तो सही समझा? नहीं, गलत समझा, गलत समझा। काफिरों ने भी गलत समझा, नुसैरियों ने भी गलत समझा। मरहूम फरमाते थे या अली तेरी अजमतों के कुर्बान, मेरे मौला तुझे गलत समझने वालों ने भी या तो मोहम्मद समझा या खुदा समझा। हमेशा हमेशा गलत समझने वाले डिग्री डाउन करते, या अली यार हमेशा गलत समझने वाले कम करके बयान करते हैं, लेकिन अली को गलत समझने वालों ने भी या तो खुदा समझा या मोहम्मद समझा। बस आखिरी बात सुन लें और रब्ते मसाइब। अली सो रहे हैं बिस्तर रिसालत पर, कल भी मुझे यहीं इसी महल्ले में कई मजलिस पढ़ना है। हाँ, और अगर आप जैसे सब सामईन रहे और मुझे ये पता चला कि यही लोग हैं तो कल मैं इसी आयत पर मजलिस पढ़ूंगा और इसी बात को मुकम्मल करूँगा। अभी इसमें बहुत गोशे हैं,
जो बहरहाल एक मजलिस या दो मजलिसों में नहीं, ये सारे टॉपिक्स पूरे अशरों के हैं, 20-20, 50-50 मजलिसों के हैं, इतनी से मुख्तसर सी गुफ्तगू में मुकम्मल नहीं हो सकते। बस आखिरी बात, नबी ने फरमाया या अली मेरे बिस्तर पर सो जाएं, या अली मेरे बिस्तर पर सो जाएं। मैं कहूँगा या नबी अल्लाह, बाहर 40 कबीलों के सरदार हैं, बाहर 40 कबीलों के सरदार हैं, आप सुला के ना जाइए, बिठा के जाइए। लेकिन नेचर है, फितरत ये है आपकी हमारी, खुदा ना करे हमारे महल्ले में लड़ाई हो जाए और हमारे बुजुर्ग जाने लगे और जवानों को छोड़ के जाएं घर पर, क्या कहेंगे? बेटा सो जाना आराम से। कह नहीं, ये ख़िलाफ़ फितरत है। आप कह के जाएंगे बेटा सोना मत, जागते रहना, विंडोज़ पे नज़र रखना, डोर्स देखते रहना, न जाने दुश्मन कहाँ से आ जाए, न जाने मुखालिफ कहाँ से हमला कर दे, और बेटा जैसे ही कोई प्रॉब्लम हो वो हमें बताना। नबी ने फरमाया या अली सो जाएं और सुबह ही अमानतें पहुँचाना है। यार अच्छा, एक मंजर ये देख लिया आप, एक मंजर एक जुमले में और दिखा दूं मैं। नबी कह के गए थे कोई मेरे पीछे नहीं आना, लेकिन जिसे मुसलमान पहला खलीफा मानते हैं वो नबी के पीछे, वो नबी के पीछे पीछे। फिर किताब का रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, हयातुल कुलूब पढ़ें। 300 रुपए की ऊँटनी शबे हिजरत नबी अल्लाह को 700 या 900 रुपए में बेची, 300 की, यानी नबी की जान पर बनी पड़ी है। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप तिलावत कर रहे हैं, फ़र्क देखें। एक नबी की जान बचाने के लिए तेगों के साए में एक नबी के पीछे आके तिजारत कर रहा है। अब नबी का जुमला भी सुन लें, आहा, कयामत, कयामत का जुमला है। लेकिन इससे पहले ये बता दूं आपको, जनाब इब्राहिम ने इस्माईल से कहा बेटा मैंने ख्वाब देखा है। इस्माईल ने कहा बाबा मैंने भी ख्वाब देखा है। नबी का ख्वाब ख्वाब नहीं होता, हकीकत होती है। नबी गुमान की मंजिल में, वहम की मंजिल में नहीं होता, नबी यकीन की मंजिलों में होता है। नबी को वहम और गुमान हमें होता है, नबी यकीन की मंजिलों में होता। अब नबी फरमाते कि शबे हिजरत नबी को महसूस हुआ कि कोई उनको पीछे आ रहा है उनके। नबी ने कहा मैं और तेज़ बढ़ा, ये पीछे आने वाला और तेज़ आया, मैं और तेज़ बढ़ा। नबी फरमाते हैं कि मुझे गुमान हुआ कि जैसे कोई मुशरिक मेरे पीछे आ रहा है। नबी ने फरमाया कोई मुशरिक मेरे पीछे आ रहा है, मुझे गुमान हुआ। नबी गुमान की मंजिलों में नहीं होता, नबी यकीन की मंजिलों में होता है। बस मैंने बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंचाना था, अब आप इस जुमले की तहकीक कर लेंगे। तवज्जो, नबी ने फरमाया या अली मेरे बिस्तर पर सो जाए, बैठना नहीं, या अली मेरे बिस्तर पर सो जाए। मैं कहूंगा ए मेरे प्यारे नबी, अली को सुला के ना जाइए, बिठा के जाइए, इसलिए कि बाहर 40 कबीलों के सरदार खड़े हुए नंगी तलवारें लिए हुए। नबी की आवाज आई, अली को सुला के नहीं जा रहा, अली के शियों को बचा के जा रहा हूं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अली को सुला के नहीं जा रहा, अली के शियों को बचा के जा रहा हूं। अली को अपने बिस्तर पे सुला के, अपनी जान बचा के, मैं अली के शियों को बचा के जा रहा हूं, इसलिए कि जब अली के बाद अली के चाहने वाले या अली मदद कहेंगे तो दुश्मन कहेंगे अली तो नजफ में सो रहे हैं। मैं अपने बिस्तर पे सुला के, अपनी जान बचा के बताना चाहता हूँ कि जो अली सो के मोहम्मद को बचा सकता है, वो अपने चाहने वाले को क्या नहीं बचा। बचाएगा जैसे अली ने मुझे बचाया, वैसे ही अली जो सो के मोहम्मद को बचा सकता है, और उसी अली की इकलौती दुआ का नाम है अब्बास। अली की इकलौती दुआ का नाम है अब्बास। तो मेरे दोस्तों, जब कोई सवाल करने वाला होता है तो जिससे सवाल किया जाता है पहले उसका ज़र्फ देखा जाता है कि जिससे सवाल किया जा रहा है वो कैसा है, फिर ये देखा जाता है जो सवाल कर रहा है वो कैसा है। जिससे सवाल हो रहा है वो है खुदा, पालने वाले एक बहादुर बेटा। जो सवाल कर रहा है वो ऐसा बेनियाज कि जिसके दरबार से कोई खाली नहीं गया। अली अलैहिस्सलाम, एक बहादुर बेटा चाहिए किसके लिए? हुसैन की मदद के लिए, हुसैन की इमदाद के लिए। अल्लाह ने
जनाब उम्मुल बनीन को दिया अब्बास। अब्बास देखें बच्चे, इसीलिए कहा गया है कि जब आप शादी करें तो कोई ऐसी खातून ढूंढें कि जो आपके बच्चों की माँ हो। अपने लिए जौजा ना ढूंढें, अपने बच्चों की माँ ढूंढें। जनाब उम्मुल बनीन क्या कसम खुदा की कोई पढ़ेगा उनके फजाइल। जनाब उम्मुल बनीन घर में आई, जब शादी होके आई तो पहले ही दरे बतूल पसजदा किया, सर रखा। घर में आई मौला हसन भी अम्मा कहने लगे, मौला हुसैन भी अम्मा कहने लगे। इनका नाम था फातिमा कलाबिया, तो मौला अली अलैहिस्सलाम इन्हें पुकारते थे फातिमा, मौला अब्बास की वालिदा। एक दिन मौला अब्बास की वालिदा जनाब उम्मुल बनीन हाथ जोड़ के कहती हैं, ए मेरे वाली वारिस, एक गुजारिश है। जी बताएं फातिमा। जनाब उम्मुल बनीन कहती हैं कि मेरे वाली वारिस, मुझे आप फातिमा कह के ना बुलाया करें, इसलिए कि जब आप मुझे फातिमा कह के बुलाते हैं तो जैनब को अपनी माँ फातिमा याद आ जाती है। ये वफादारी नहीं तो क्या है, मुझे आप फातिमा कह के ना बुलाया करो, जैनब को अपनी माँ फातिमा याद आ जाती। तभी मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये लकब दिया उम्मुल बनीन, बेटों की माँ। अज़ादारो क्या दर्स दिया है जनाब उम्मुल बनीन ने अपने बच्चों को। चूँकि वक्त नहीं होता है और शख्सियात के बारे में बोलने का, सारे भाई भी मिसाल हैं। अब्बास, अली की दुआ का नाम, आज भी आप अलम उठाएं। अज़ादारों ये 1400 साल हो गए हम जो ज़िंदा हैं, हम जो अज़ादारी कर रहे हैं, इसमें एहसान है इस दरबार का। आप अलम देखें और कभी तन्हाई में अलम के पंजे पर गौर करें। आप अलम को अलम के पंजे को देख के ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा है कि घबराना मत, हम हैं, वरना हमारी क्या हैसियत, जितने दुश्मन आपके और हमारे हैं, हम तो सफ़े हस्ती पे ना होते। लेकिन इनका एहसान है, लिहाजा इनका वफादार रहे इंसान। अज़ादारो गाज़ी अब्बास ऐसी शख्सियत थे। एक जुमला, इधर मौला अब्बास को लड़ने की इजाज़त नहीं, सबीले आप की इजाज़त मिली, उधर मौला अब्बास रहवार पर बैठे, इधर हुसैन ज़मीन पर बैठे। सकीना के हाथ से कूजा गिरा, जैनब के सर से चादर गिरी। एक अब्बास, जैनब की भी आस, सकीना की भी आस, अब्बास का भी, शब्बीर का भी कुव्वत बाजू। आज की मजलिस और कल या परसों की मजलिस में मसाइब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो हम इतने गुनाहगार हैं कि हमें मसाइब पढ़ने की ज़रूरत होती है, वरना अब मसाइब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना सोच लेना काफ़ी है कि आज 4 रबीउल अव्वल का दिन गुजर गया, 5, 6, 7, 8 3 दिन आपके पास बाकी बचे हैं। वो हुसैन, जिस हुसैन को आपने आंसुओं से बुलाया था, मैं बताऊं आपको, मौला आपको और हमें कितना पसंद करते हैं, इस सरजमीन को कितना पसंद करते हैं। एक शख्स हर साल मौला हुसैन के हरम में जाता था और मौला हुसैन को सलाम करता था। ऐसे आसार नमूदार होते थे कि उसे यकीन हो जाता था कि हुसैन ने सलाम का जवाब दे दिया। एक मर्तबा मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, दरबार में पहुंचा, हरम में पहुंचा और मौला हुसैन को सलाम किया, सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। लेकिन रोज़े पर अजीब सी उदासी नज़र आई, ये बहुत रोने लगा, परेशान हुआ, सो गया।
ख्वाब में मौला हुसैन आए। मौला हुसैन आके कहते हैं कि मेरे ज़ाहिर तू क्यों परेशान है। का मौला पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं आपके रोज़े पर आया हूँ, मैंने सलाम किया है और ऐसे आसार नमूदार नहीं हुए जिससे मुझे ये यकीन हो जाता था कि आपने मेरे सलाम का जवाब दिया। मौला फरमाते क्या तुझे नहीं पता अय्याम अज़ा शुरू हो गए, मुहर्रम का चाँद नमूदार हो गया, इन दिनों हम हिंदुस्तान चले जाते हिंदुस्तान चले जाते हैं, वहाँ हमारे अज़ादार बहुत हैं, वहाँ हमारे मातम करने वाले बहुत हैं। बस अज़ादारो दो दिन तीन दिन और बचे हैं अज़ा के, उसके बाद तो घरों में सन्नाटा होगा। आप यहाँ बैठे हैं, आप जाइए हज़रतगंज गोमती नगर। साहब एक साहब काले कपड़े पहने जा रहे हैं, अच्छा ये तो शिया है, लिबास देखते ही आपने बता दिया। हम कश्मीरी मोहल्ले आए, अच्छा इतने काले कपड़े पहने, ये तो सब शिया है, एक अलग से पहचान। लेकिन आठ के बाद आप हमें ना पहचान पाएंगे, हम आपको ना पहचान पाएंगे। जिनके ताल्लुकात हैं वो बात अलग है, लेकिन जो पराए लोग परदेशी लोग भी पहचान लेते हैं। लिबास काला लिबास पहने हुए हैं, ये अज़ादार का लिबास है, हाथ में हथकड़ी है, नाड़ा है, ये अज़ादार का, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का एहसान है कि हमारी पहचान बाकी है। बस अज़ादारों एक दो मंजर देख लें आप मसाइब के, और मैंने मजलिस तमाम की। अब्बास जो सबकी आस सबका सहारा, सब जिस गाजी से मोहब्बत करते हैं, अली की इकलौती दुआ, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में बैठे हैं फरमाते हैं कंबर ज़रा हमारे लिए पानी लाएं। जनाब कंबर उठे, उनसे पहले एक छोटा सा बच्चा उठा, तारीख कहती वो छोटा सा बच्चा सर पे कूजा रखे हुए इस अंदाज से आ रहा था कि पानी कभी दाएं छलकता था कभी बाएं छलकता था, उस बच्चे के बाजुओं पे पानी गिर रहा था। जल्दी से ला के मौला हुसैन की खिदमत में दिया। हुसैन फरमाते हैं अब्बास तो हमारा कितना ख्याल रखते हो, मसाइब समझ के सुने, अगर मसाइब में समझा पाया तो शायद तन्हाई में भी आप गिरिया करेंगे। अब्बास तुम तो हमारा बड़ा ख्याल रखते हो। जी आका अम्मा ने यही सिखाया है। लेकिन अब्बास एक दिन ऐसा आएगा कि हम तुम्हें बुलाएंगे, तुम हमारी आवाज पर लब्बैक न कह सकोगे, तुम हमारी इमदाद को ना आ सकोगे। अज़ादारो उस दिन से गाजी अब्बास सात दिन सात रात मुसलसल सोए नहीं। गाजी की आंखें लाल हो गई, सुर्ख हो गई। ज़ैनब ने अब्बास की आंखें देखी, गले से लगाया, मेरे गाजी क्या हुआ, तुम्हारी आंखें ये सुर्ख सुर्ख कैसी हैं। कहा शहजादी आका हुसैन ने फरमाया कि हम तुम्हें बुलाएंगे और तुम आ ना पाओगे। ए शहजादी मैं नहीं चाहता, मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं सो ना जाऊं और आका मुझे आवाज़ दें। ज़ैनब ने अब्बास का हाथ पकड़ा, भाई हुसैन तुमने मेरे गाजी से क्या कह दिया। हुसैन ने गले से लगाया, मेरे अब्बास वो करबला की बात है, तुम नहर किनारे शाने कटा के सो रहे होगे, हम मख्तल में कह रहे होंगे हल मिन नासिर यंसुरना हल मिन मुईनो योईनो ना हल मिन मुगीसो योगीसो ना। अब्बास वो आज की बात नहीं है। अज़ादारो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम इतने तवीलुल कामत थे कि जब रहवार पर बैठते थे तो पैर खदेते हुए जाते थे। हाँ अज़ादारो बस दो मंजर सुनाऊंगा, एक करबला का मंजर, दूसरा मदीने का मंजर, और मैंने मजलिस तमाम कर दी। अगर ये मंजर आपके जहन में रहे तो तन्हाई में भी आप गिरिया फरमाएंगे। अज़ादारो जनाब ज़ैनब जनाब सैयद सज्जाद के साथ करबला की सरजमीन पर आई। जब करबला की सरजमीन पर आई, ज़ैनब ने कहा भैया बेटा सज्जाद ये बताओ मेरा भाई हुसैन कहाँ है। जनाब सैयद सज्जाद ने हाथ पकड़ा, फूफी अम्मा ये है मेरे बाबा। का अली असगर कहाँ है, का सीने पर हम आराम कर रहे
गए हैं, अकबर कहाँ है का पहलू में लेटे हुए हैं, मेरे लाल कासिम कहाँ है गंजे शहीदा में, हबीब कहाँ है गंजे हबीब कहाँ है, हुसैन के रोज़े के पास अजादर एक एक का तारुफ कराते रहे। सैयद सज्जाद एक मरतबा ज़ैनब तड़प के कहती हैं, ए सज्जाद मेरे पर्दे का मुहाफिज मेरा अब्बास कहाँ है, कहा आइए फूफी अम्मा दरिया के किनारे ले गए, एक कब्र की तरफ मुखातिब होके कहा फूफी अम्मा ये है मेरे चचा की कब्र। जनाब ज़ैनब ने अब्बास की कब्र देखी, सज्जाद का चेहरा देखा, फिर अब्बास की कब्र देखी, फिर सज्जाद का चेहरा देखा कि ए सैयद सज्जाद मैंने तुमसे पूछा है मेरे अब्बास की कब्र कहाँ है, सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा यही है, जनाब ज़ैनब ने कहा सज्जाद मेरा अब्बास रहवार पर सवार होता था तो पैर खत देते हुए जाते थे, ये तो किसी बच्चे की कब्र है, अरे मेरे अब्बास की कब्र कहाँ है। सैयद सज्जाद ने फरमाया फूफी अम्मा यही है मेरे चचा की कब्र, ए फूफी अम्मा दुश्मनों को चचा से इतनी अदावत थी कि बदन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, मैंने अबा बिछा के अबा के दामन में, ए हुसैन अलविदा, ए मेरे आका अलविदा, मौला हक़े ग्रिया अदा नहीं कर पाए हम लोग, मौला माफ़ फरमाइएगा, मौला जिए तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर। अजादारो ज़ैनब तड़प के कहती भैया बेटा सज्जाद मेरे भाई की कब्र इतनी छोटी, जालिमों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। अजादारो गाजी अब्बास से इतनी अदावत थी कि जब तक गाजी अब्बास सलामत थे कोई दुश्मन चैन की नींद न सो पाया, लेकिन जैसे ही अब्बास के शाने कलम हुए, जैसे ही अब्बास शहीद हुए, फिर अहले हरम कभी ना सो पाए, कभी चैन से ना सो पाए, टुकड़े टुकड़े कर दिया था चचा। मैंने अबा का दामन बिछाया, मुझे तारीख में दो ही मकाम ऐसे नज़र आए जहाँ अबा का दामन बिछाया गया, जहाँ अपनी अबा बिछाई, एक कासिम के लिए, एक गाजी अब्बास के लिए। मौला मेरी ज़बान को तासीर दे, आप गिरिया फरमाते हुए उठेंगे अब्बास, अजादारो आ गया काफिला, बशीर ने आवाज़ दी कि हुसैन करबला में कत्ल कर दिए गए, हुसैन की छोटी सी बच्ची बीमार सुगरा असा का सहारा लिए हुए बाहर आई, दौड़ के अंदर आई, आके कहती है दादी जान बाबा शहीद कर दिए गए, हम यतीम हो गए, हमें पुरसा दीजिए। एक और बच्चा तेजी से बशीर की तरफ दौड़ा, कहा बशीर बशीर कहाँ शहजादे कौन है, कहा बशीर तेरे हाथ में ये आलम है ये हमें दे। बशीर ने पूछा शहजादे कौन है, कहा मैं आलमदार का बेटा, मैं अब्बास का बेटा, ये आलम हमारी मीरास है। बस अजादारो बशीर ने कहा हुसैन शहीद हो गए, हुसैन करबला में कत्ल कर दिए गए, हुसैन शहीद हो गए, हुसैन कत्ल कर दिए गए। रिदा को संभाल के अब्बास की वालिदा बशीर के पास आई, कहा बशीर तूने क्या कहा, बशीर तूने क्या कहा, कहा मैंने कहा हुसैन कत्ल कर दिए गए, ज़ैनब की चादर छीन ली गई, उम्मे कुलसूम की चादर छीन ली गई, सकीना के गोशवारे छीन लिए गए। जनाब उम्मुल बनीन नजफ का रुख करके कहती है या अली गवाह रहिएगा अब्बास का दूध ना बख्शूंगी। बशीर तड़प के कहता अरे शहजादी ऐसा ना कहिए, पहले अब्बास के शाने कलम हुए, बाद में हुसैन पर खंजर चला, ज़ैनब की चादर छीनी गई, जब तक आपका अब्बास सलामत था न चादर छीनी न हुसैन की शहादत हुई। पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का है।
हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। पालने वाले हमें मारिफत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इनायत फरमा। पालने वाले जहाँ जहाँ भी आज़ादारान सैयद शहदा हैं सबकी हिफाजत फरमा। पालने वाले साहिब खाना के रिस्क में इजाफा फरमा ताकि इससे ज़्यादा अहतमाम अज़ाए हुसैन हो सके। ए पालने वाले ये आखिरी दिन है अय्याम अज़ा के, पता नहीं अगले बरस कौन जिंदा रहे कौन जिंदा ना रहे। पालने वाले हम हक़ अज़ा तो अदा कर ही नहीं सकते, इसलिए कि मासूम फरमाते हैं कि मैं अपने जद पर खून के आंसू रोता हूँ। पालने वाले हमें इतनी तौफीक और इतनी मारिफत दे कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के गम में कुछ हद तक शिरकत का हक अदा कर सके। पालने वाले तमाम मकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा, हमारे उलमाए किराम की हिफाजत फरमा। पालने वाले जल्द अज जल्द शाम के रास्ते मुकम्मल तौर से हमवार हों ताकि एक यतीम बेटी को जिसके गोशवारे भी छीने गए, जिसको सबसे ज़्यादा तमन्ना थी वतन में जाने की, वो सकीना आज भी जिंदान शाम में तनहा है। पालने वाले जल्द अज जल्द ऐसे हालात पैदा हों कि सारे आज़ादार उस यतीम बच्ची को उसके बाप का पुरसा देने के लिए बीबी के रोज़े पर पहुँचे। पालने वाले हिजबुल्लाह की हिफाजत फरमा। पालने वाले दुआओं में ख़ास दुआ ये है कि मुंतकिम खून हुसैन का ज़हूर फरमा और हमें उनके अवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम।